खुद पे भरोसा करें, ईमानदार रहिए जी और हार्डवर्क कीजिए। मैंने अपने लाइफ में यही फॉलो किया है। आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे अगर देखा जाए तो? जी मैं इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ उतना। जब मेरा मन होता था मैं 8 घंटे पढ़ता था, जब मेरा मन होता था लग रहा है मुझे ज़्यादा करना है तो मैं 13-14 भी करता था। ईमानदार रहें खुद से और मेहनत करें, मेरा बस दो ही प्रिंसिपल है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और इससे और भी बच्चों में इसे सीखने को मिलेगा और जागृति आएगी और भी बच्चे हैं आगे अच्छे। अभी हमारे साथ बिहार के लाल विशाल कुमार हैं जिन्होंने आपको बता दें कि यूपीएससी में 484 रैंक लाकर पूरे बिहार ही नहीं देश का नाम रोशन किए हैं। और ये देख सकते हैं हमारे सामने हैं, अभी अभी ये दिल्ली से मुजफ्फरपुर में अपने गाँव में पहुँचे हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले विशाल जी आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो बहुत लोगों की सोच होती है। थैंक यू। कैसा लगा कि आप जब यूपीएससी कराई करके दिखाई, वो भी आपका आपका जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा है? लोग खुशी हुई है और आई थिंक खुश होगा, बहुत खुशी हुआ होगा। yes. अच्छा ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी जैसा कि बहुत बड़ा एग्जाम है और इसे निकलना आसान काम नहीं होता है, ऐसे में आपने क्या कुछ अलग किए थे? देखिए मेरा सिंपल है कि आप खुद पे भरोसा करें, ईमानदार रहिए जी और हार्डवर्क कीजिए। मैंने अपने लाइफ में यही फॉलो किया है और मुझे पे किया है तो मैं यही आई थिंक रिकमेंड करता हूँ सबको। अच्छा जी जी। अच्छा आपने तैयारी कहाँ से किया है? जी मैं पहले सेल्फ स्टडी किया, जॉब के साथ किया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था, दिल्ली में की पढ़ाई मैंने फिर। अच्छा दिल्ली से पढ़ाई किए हैं। अच्छा बिहार में अगर देखा जाए तो यूपीएससी तैयारी करने के लिए अच्छा सुविधा नहीं होता है क्या बिहार में? मतलब सबकी अपनी अपनी है, बहुत लोग खुद से सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हाँ जिसको जहाँ सही लगता है और आई थिंक मुझे लगा मेरे फ्रेंड्स लोग थे दिल्ली में तो मुझे लगा दिल्ली जाना चाहिए तो मैं दिल्ली चला गया। अच्छा आपने दिल्ली से तैयारी की है। अच्छा ये बताइए कि यूपीएससी यहाँ तक, मतलब यूपीएससी आप निकाल लिए हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना स्ट्रगल विशाल जी करना पड़ा? जी काफ़ी स्ट्रगल रहा है और मुझे उसी से बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी खुश होंगे लेकिन मेन बात है थोड़ा सा थकान भी होगी क्योंकि काफ़ी दूर से आप अभी बिहार में आए हुए हैं तो ऐसे में। हाँ अच्छा ये बताइए कि बाकी बच्चे अगर वो भी यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी भाई मैंने बोला कि आप ईमानदार रहें खुद से और मेहनत करें, मेरा बस दो ही प्रिंसिपल है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अच्छा आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे अगर देखा जाए तो? जी मैं इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ उतना। जब मेरा मन होता था मैं 8 घंटे पढ़ता था, जब मेरा मन होता था लग रहा है मुझे ज़्यादा करना है तो मैं 13-14 भी करता था तो मेरा ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है। यानी कि जो मन करता था वो पढ़ाई कर रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा तो आगे जो है आप आगे क्या मतलब सोचे, IAS में कि ये DM में कि ये ऐसा कुछ है ना पद अलग अलग तो? हाँ जी अभी जो रैंक है मेरी उसमें IAS नहीं मिलेगा तो मैं ट्राई करूंगा IAS के लिए अभी। अच्छा अच्छा। हमारे साथ विशाल जी के गुरुजी हैं जिन्होंने बचपन में विशाल को काफ़ी पढ़ाई कराए हैं। अच्छा सर कैसा लग रहा है आज जो विशाल जो है अपने गांव पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वो करके दिखाया है जो बहुत लोगों की सोच होती है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और इससे और भी बच्चों में इसे सीखने को मिलेगा और जागृति आएगी और भी बच्चे हैं आगे अच्छे करेंगे, आगे अच्छे करेंगे बिल्कुल। अच्छा कुछ बच्चों के लिए हम चाहेंगे कि आप टिप्स दे दें कि और लोगों की भी सपना होती है कि हम भी यूपीएससी क्रैक करें, वो कैसे कुछ अलग तैयारी करेंगे तो वो भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं लोग। हाँ और विशाल जी हैं उनसे भी प्रेरणा मिलेगी सीखने को, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि विशाल जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके मुजफ्फरपुर अपने गांव पहुंचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।